नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बीएन 24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं असंद के जो मेन चौक है वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असंद आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है असंद का मेन बाज़ार। और असंद के मेन बाज़ार की हालत आप देख सकते हैं कि कभी भी कोई भी बारिश हो जाती है तो असंद की गलियों के अंदर इस तरह से पानी भर जाता है मानो कभी यहाँ पर विकास नाम की कोई ईंट भी नहीं लगी। और सरकार प्रशासन दावे करती है कि असंद के अंदर करोड़ों रुपए की जो ग्रांट दी गई है, करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। कितने विकास कार्य हुए हैं, आखिर वो विकास कार्य किसके खाते में गए हैं, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। करोड़ों रुपए की लागत से जो सीवरेज बनाए गए थे और वो सीवरेज भी अब ब्लॉक हो चुके हैं, उनकी तरफ किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जाता, उनकी सफाई को लेकर कोई भी अधिकारी जहमत नहीं उठाता और ना ही कोई जांच के आदेश देता, क्योंकि हर बार समस्या यही होती है कि जो दुकानदार होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके दुकानों के अंदर पानी भर जाता है, दुकानदार परेशान होते हैं, कस्टमर नहीं आते और प्रशासन के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ एसी रूम में बैठकर बिल पास करते रहते हैं। चाहे समोसे खाने के बाद जो बजट होता है साथ में उसको भी डकार जाते हैं। तो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको बीएन 24 पर। तो चलिए अधिकारियों से बातचीत करेंगे, आखिर असंध के विकास के लिए किस तरह का जो प्लान है, सिर्फ और सिर्फ क्या वो कागजों के अंदर ही रहेगा या ज़मीन पर भी काम करेगा। जरूर भाई, से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, असंध का मेन बाज़ार है ये। और मेन बाज़ार की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से एक तालाब की तरह हो चुकी है ये। थोड़ी सी बारिश आती है और असंध की अंदर, असंध की गलियों में पूरी तरह से पानी भर जाता है, दुकानों में पानी घुस जाता है, लोग परेशान होते हैं और दावे किए जाते हैं बड़े बड़े करोड़ों रुपए की ग्रांट असंध शहर के अंदर लाई जाती है। और असंध शहर के हालात कैसे हैं आप देख सकते हैं, कभी भी बारिश हो जाए, बारिश होते ही ये हाल है। हाँ जी भाई, छिकमा पानी भरा है, कभी बारिश हो जाए चाहे दो बूंद हो जाओ, करोड़ रुपए ला दिया। हाँ, करोड़ रुपए की ना लगे, कोई 5 रुपए लग रही इस पे संध में कड़ी। ये देखिए पानी देख कितना आधा आ रहा है, तो बारिश होने के बाद ऐसा डबल आया। ये देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि असंध शहर के अंदर एक बात की जाती है विकास कार्यों की, मोटी मोटी ग्रांटें दी जाती हैं और उन ग्रांटों का क्या होता है ये देख लीजिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। कहाँ लगाई जाती है, कौन यूज करता है, किसके खाते में जाती है। करोड़ों रुपये कोई भी आता है अपनी अपनी जेब भर जाता है, यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल भी, दुकानदार परेशान है, रेड़ी वाले मजदूर परेशान है, जो गरीब आदमी रोटी कहाँ से खाएगा जनाब, ये हमारे को पता लगना चाहिए। इतने 4-4 फुट भी यहाँ पानी हो जाता है गुरुद्वारा मार्केट के अंदर, ना कोई बाहर का ग्राहक आता है ना कुछ, सुबह से लग के शाम तक हम मजदूर आदमी हैं, काम करते हैं, हमारे को शाम को 2 रुपये नहीं पल्ले पड़ते हैं। शायद पानी लग गया बाइक में, हाँ जी परेशानी होगी। हाँ जी बंद हो गई जी, बंद हो गई है। देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पानी लगने की वजह से गाड़ी बंद हो चुकी है, तो जो नए चेयरमैन बने उन तक एक हो गए, उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है भी शहर की, ये पानी की निकासी जरा दूर होनी चाहिए, सब भाइयों के लिए समस्या ये दूर होनी चाहिए। हाँ नहीं जी, नाले बिल्कुल कहाँ, बिल्कुल नहीं, कोई भी नाला साफ नहीं है, कोई भी नाला बिल्कुल साफ नहीं है, सबके सब नाले साफ हो तो। हाँ जी, अगर नाले साफ हो जाए तो, अगर नाले साफ हो जाए ये पानी थोड़ी रुकेगा बिल्कुल भी, थोड़ी थी 2 दिन पहले। हाँ जी, ये थोड़ा सा निकाला था 2-1 ट्राली, वैसे के वैसे फिर भरा गया, वैसे के वैसे फिर भरा गया। हाँ जी, अब पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, हैं सुबह से लग के शाम तक काम करते हैं, कहाँ से गरीब बंदा खाना खाए। हाँ जी, ग्राहक आवा कोई ना जी, बिल्कुल भी नहीं, 4-4 फुट पानी है, ग्राहक कहाँ से आएगा, सुबह के यहाँ बैठ के शाम को वैसे की वैसे रेड़ी भरी भरी अंदर चली जाती है, हमारी सोता खराब हो जाता है, आड़सियों के पैसे हमारे सिर चढ़ जाते हैं। कहना भी कुछ कर रही है, ये देखिए जैसे सेंटर से बच्चे आते हैं, बच्चे क्या कोई भी इस रास्ते से गुजरेगा उसे इसी तरह का
इसी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये जो नाले हैं, नालों की सफाई किस तरह से होती है, ये देखिए पूरे नाले पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, आगे नहीं जा रहा। जो गंदगी है सीधी नालों के अंदर आती है, और ये गंदगी डालने वाले कोई बाहर से नहीं आते, शहर के ही लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं शहर के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अपने शहर की सफाई के प्रति उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी सफाई में अपना सहयोग करें, क्योंकि प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये प्लास्टिक, हालांकि प्लास्टिक की चीज़ों पर बैन जरूर लगा रखा है सरकार ने, सिर्फ और सिर्फ नाम का बैन है, सरेआम प्लास्टिक बिक रही है, और तस्वीरें आप सबके सामने हैं।